अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क पर गैर मुस्लिमों का हमला हुआ, यानी पाकिस्तानियों के पसंदीदा लीडर को उतार दिया गया, तो आवाम एकदम से उठ खड़ी हुई। लेकिन जो जहर हमारे बच्चों के दिमागों में, हमारे नौजवानों के दिमागों में सराइयत कर रहा है, उसकी मिसाल शायद उसको शायद हम लोग इग्नोर किए जा रहे हैं। वो इसी दज्जाली मीडिया की रखेलों का और चेले चमचों का फैलाया हुआ जहर है, जो हमारे माशरे में इस अंदाज़ में फैल रहा है। एंड तक देखिएगा अलीज़ शाह की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, नोटिफिकेशंस भी ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो बहुत से दज्जाली मीडिया के पेजेस ऐसे हैं जो इन बुराइयों को प्रमोट करते हैं, और यहाँ तो हम ऐसे वीडियोज़ हरगिज़ नहीं शेयर कर सकते जिनमें अधनंगी इस दज्जाली मीडिया की चेली चमचियाँ अपने कपड़ों तक को भुला चुकी हैं और पाकिस्तान को मगरबी माशरे से भी बदतर बनाने के प्रोग्राम में हैं। लेकिन बज़ाहिर अच्छी और खुश शक्ल नजर आने वाली भोली भाली अलीज़ शाह हमेशा ही हदें पार करती आई हैं, और फेमस होने के लिए जो अपनी बरहाना वीडियो शेयर कर सकती है, वो औरत किस नहज तक पहुंच सकती है। सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारा माशरा इन्हीं लोगों को फॉलो करता है, इन्हीं दज्जाली मीडिया के चले चमचों के पीछे चलते हुए। म्यूज़िक के नशे में धुत होकर हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हामी बनते हुए पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि हम तब्दीली खुद से करें, ऐसे हर निज़ाम को ठुकरा दें, ऐसे हर काम को ठुकरा दें जो हमें अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ खड़ा कर डाले। आप इस वीडियो के मुतालिक क्या राय रखते हैं, प्लीज़ कमेंट लाजमी करें। सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन भी ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।